नमस्कार, मैं हूं इंद्रनील और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल इंद्रनील रॉय आईआर में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपसे के फेवरेट एक्टर हर्षित चोपड़ा के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली हर्षित चोपड़ा एरिका फर्नांडिस तो एक वेब सीरीज एल्बम सॉन्ग की बात हुई है, काम हो रहा था, आप सभी को पता है। लेकिन फैंस का डिमांड ये है कि वो थोड़ा एल्बम सॉन्ग के साथ क्या सीरियल कर सकते हैं। देखो, मुझे उस तरीके तो मुझे लगता नहीं कि वो दोनों अभी कोई काम करने वाले हैं। हाँ, एरिका कर सकती है, लेकिन हर्षित चोपड़ा के ऊपर मैं अभी कोई कमेंट्स न करूँ तो अच्छा है, क्योंकि उनकी एक अलग ही लेवल की फैनबेस बन रही है। मुझे नहीं पता कैसे है, क्योंकि एक बंदा यार कोई भी हो, वो कितने भी बड़े एक्टर क्यों ना हो, अगर सलमान खान अगर 5 साल मूवी नहीं ना करेंगे तो उनको बॉलीवुड से हट जाएगा, वो ऑटोमेटिक उनका नाम हट जाएगा। ऐसे बहुत सारे एक्टर है, बहुत बड़े बड़े एक्टर है, जो लगभग 5 साल 4 साल 3 साल काम नहीं किए, ऑटोमेटिक उनका नाम हम सब भूल ही गए। वो कभी एक एक्टर थे, हम सब देख लो, संजय दत्त का अगर बायोपिक नहीं बनता तो हम सब संजय दत्त को भूल ही जाते। आपको पता होगा संजय दत्त हो गए, ऐसे बहुत सारे एक्टर है। काजल के हम सब भूल गए थे, लेकिन हाँ, एक गैप, लंबा गैप के कारण बात आए। सेम है हर्षित चोपड़ा की भी बात वही होगी, वो जिन लेवल में चल रहे हैं ना, फैनबेस उनकी गिर रही है ना, यह श्योर है अगर इस तरह करते रहे तो उनकी फैनबेस गिरेगी, बहुत घटिया गिरेगी। ऐसा ऐसे नहीं, बहुत सॉलिड गिरेगा। मेरा बहुत सारे कमेंट्स करेंगे व्यूवर्स, तो मेरा क्या बोल रहे हो, यू क्यों बोल रहा, हर्षित चोपड़ा का फैन हूँ। मैं आप फैन हूँ क्या? आप नहीं चाहते हो कि हर्षित चोपड़ा कोई प्रोजेक्ट पे काम करे? क्या मैं कोई गलत पॉइंट बताया कि हर्षित चोपड़ा घटिया ये वो तो नहीं कहा ना? बस एक पॉइंट बताया, जो बंदा 2 साल 3 साल से कहीं प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेगा ना, ऑटोमेटिक नाम हट जाता है। तो वो एक एक्टर है, हम सब उसके नाम भूल जाते हैं, ये गारंटी। आप जितने ही बड़े फैन बनो या चमचे बनो, ये सिंपल सी बात है। मैं खुद गौतम लोटे का फैन हूँ, आप सभी को पता होगा। लेकिन अगर वो अभी सच बोलूँ ना, वो जिस लेवल में काम कर रहे हैं, लगभग आपको पता होगा प्रोजेक्ट्स की बात हुई है, लेकिन वो 1.5 साल से कोई प्रोजेक्ट पे काम नहीं किए, इनकी की फिटनेस छोड़कर कहीं भी नाम नहीं हो रहा है। सिंपल सी फैक्ट है, एक लेवल है जो आपके साथ मैंने बता दिया, क्लियर कट। अगर आपको बुरा लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हमेशा सच्चाई की बात करता हूँ। जो आपको सही लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना राय भी बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।